हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी के 45 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो एग्जाम में अक्सर रिपीट करता है तथा उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो भी आप लोगों को बतलाऊंगा। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक देखें तथा वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? इसका ए ऑप्शन है मंगल, बी ऑप्शन है बृहस्पति, सी ऑप्शन है बुध, डी ऑप्शन है शुक्र। दोस्तों, इसका ए ऑप्शन मंगल बिल्कुल राइट हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका लाल दिखाने का कारण है आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है शोभ मंडल, बी ऑप्शन है समताप मंडल, सी ऑप्शन है बहिर्मंडल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका समताप मंडल बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ओजोन मंडल पृथ्वी सूर्य से आने वाली प्रावैग्नी किरण से हमें रक्षा करती है। इसकी खोज 1913 ईस्वी में फैब्री चार्ल्स और हेनरी बोसन नामक व्यक्ति ने खोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे करीब कौन सी मंडल स्थित है? इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है समताप मंडल, बी ऑप्शन दिया हुआ है आयन मंडल, सी ऑप्शन है शोभ मंडल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका शोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है? इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है बुध, बी ऑप्शन है मंगल, सी ऑप्शन है प्लूटो, डी ऑप्शन है वरुण। दोस्तों, इसका ए ऑप्शन बुध बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कौन सा सबसे अधिक चमकीला ग्रह है? इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है शुक्र, बी ऑप्शन है शनि, सी ऑप्शन है बुध, डी ऑप्शन है प्लूटो। दोस्तों, इसका शुक्र बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। सभी कहते हैं कि बुध सूर्य के सबसे पास में है, इसीलिए बुध ही सबसे ज़्यादा चमकीला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। दोस्तों, बुध सबसे नज़दीक है जो सबसे तापांतर वाला ग्रह है। शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, साय का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सी है? इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, इसका बी ऑप्शन ऑक्सीजन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है मंदाकिनी, बी ऑप्शन है एरावतपट, सी ऑप्शन है तारामंडल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका मंदाकिनी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, वरुण की खोज किसने की? इसका ए ऑप्शन है जॉर्ज गैले ने, बी ऑप्शन है गैलीलियो ने, सी ऑप्शन है केपलर ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। दोस्तों, इसका जॉर्ज गैले बिल्कुल राइट हो जाएगा। गैलीलियो ने जीरोटो का नियम, टेलीस्कोप तथा सन्नी के ब्लैक की खोज किया। केपलर ने ग्रह की गति का नियम दिया। न्यूटन ने गति के बल का नियम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सी है? इसका ए ऑप्शन है प्रोक्सीमा सेंचुरी, बी ऑप्शन है बर्नार्ड, सी ऑप्शन है नेबुला, डी ऑप्शन है साइरस। दोस्तों, इसका डी ऑप्शन साइरस बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है? इसका ए ऑप्शन है सोयूज, बी ऑप्शन है मैगलन, सी ऑप्शन है पाथफाइंडर, डी ऑप्शन है वाइजर फर्स्ट। दोस्तों, इसका डी ऑप्शन वाइजर फर्स्ट बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन सी है? इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है प्रोक्सीमा सेंचुरी, बी ऑप्शन है नेबुला, सी ऑप्शन है बर्नार्ड, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका प्रोक्सीमा सेंचुरी ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? इसका ए ऑप्शन है 8 मिनट, बी ऑप्शन है 1.3 सेकेंड, सी ऑप्शन है 5 सेकेंड, डी ऑप्शन है 8.3 सेकेंड। दोस्तों, इसका 1.3 सेकेंड बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय है? इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है 20 दिन, बी ऑप्शन है 27.3 दिन, सी ऑप्शन है 18 दिन, डी ऑप्शन है 25 घंटा। दोस्तों, इसका बी ऑप्शन 27.3 दिन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है कोटोपैक्सी, बी ऑप्शन है फ्यूजियामा, सी ऑप्शन है वेसुवियस और डी ऑप्शन दिया हुआ है किलायू।
दोस्तों सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, जो यूएसए के हवाई ड्यू पर स्थित है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है? इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है ब्राज़ील, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है कनाडा, डी ऑप्शन है भारत। दोस्तों इसका सी ऑप्शन कनाडा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यह 14 देशों के साथ सीमा बनाती है, जबकि भारत 7 देशों के साथ सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है कैरोलाइन निकलसन, बी ऑप्शन है फ्रॉन फिम्पस, सी ऑप्शन है बसेंद्री पाल सिंह, डी ऑप्शन है वेलेंटिना टेरेस्कोवा। दोस्तों इसका फ्रॉन फिम्पस बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बसेंद्री पाल सिंह के बारे में बता दूँ, यह प्रथम भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कैरोलाइन निकलसन, जो दक्षिणी अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली महिला है। वेलेंटिना टेरेस्कोवा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है कनाडा, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है अमेरिका। दोस्तों इसका ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि सर्वाधिक उत्पादक देश फर्स्ट में है कजाकिस्तान, सेकेंड में है कनाडा और थर्ड में है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी प्याज की भंडार कहाँ स्थित है? इसका ए ऑप्शन है लासलगांव, बी ऑप्शन है इस्माइलपुर, सी ऑप्शन है कटरा, डी ऑप्शन है आजादपुर। दोस्तों इसका लासलगांव ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। लासल गांव जो कि महाराष्ट्र के नासिक में है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा तथा बिस्वत रेखा का प्रतिवेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? इसका ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, सी ऑप्शन है मैक्सिको की खाड़ी और डी ऑप्शन है हिंद महासागर। दोस्तों इसका बी ऑप्शन अटलांटिक महासागर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यह अफ्रीका के पश्चिमी भाग में गिनी की खाड़ी में है, वहीं पर यह बिंदु पड़ता है और यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है? इसका ए ऑप्शन है कनाडा में, बी ऑप्शन है गुयाना में, सी ऑप्शन है वेनेजुएला में और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों इसका वेनेजुएला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यह एक दक्षिणी अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला, यहीं पर, और इसका नाम है एंजिल जलप्रपात। 21 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका ए ऑप्शन है आल्पस, बी ऑप्शन है हिमालय, सी ऑप्शन है एंडीज, डी ऑप्शन है टिम्बर दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। एंडीज पर्वतमाला 7200 किलोमीटर है, यह दक्षिणी अमेरिका में है। रॉकी पर्वत श्रृंखला 4800 किलोमीटर है, यह उत्तरी अमेरिका में है। हिमालय जबकि 2400 किलोमीटर है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिस्वत रेखा को 2 बार काटती है? इसका ए ऑप्शन है अमेजन, बी ऑप्शन है नील, सी ऑप्शन है कांगो, डी ऑप्शन है नाइजर। दोस्तों इसका सी ऑप्शन कांगो बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, बिस्वत रेखा को 2 बार जो कि कांगो नदी काटती है, उसके बाद मकर रेखा को लिम्फासो नदी 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र केंद्र से सर्वोत्तम बिंदु पर है? इसका ए ऑप्शन है माउंट पुंसेक जया, बी ऑप्शन है माउंट चिम्बोराजो, सी ऑप्शन है माउंट किलीमंजारो और डी ऑप्शन है माउंट एकांगुआ। दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, माउंट चिम्बोराजो। यह पर्वत इक्वाडोर में स्थित है और समुद्र तल से सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? इसका ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों इसका दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इसका ए ऑप्शन है जीन ब्रुंस को, बी ऑप्शन है हिपालस को, सी ऑप्शन है हम्बोल्ट को, डी ऑप्शन है कार्लिटर को। दोस्तों इसका डी ऑप्शन कार्लिटर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाला सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है महानदी,
डी ऑप्शन है गंगा। दोस्तों इसका गंगा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है। गोदावरी के बारे में बता दूँ, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है पाडमा, बी ऑप्शन दिया हुआ है जमुना, सी ऑप्शन है मेघना, डी ऑप्शन है सांगपो। दोस्तों बांग्लादेश में गंगा नदी को पाडमा नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है महानदी, बी ऑप्शन दिया हुआ है कावेरी, सी ऑप्शन दिया हुआ है गोदावरी, डी ऑप्शन दिया हुआ है कृष्णा। दोस्तों इसका बी ऑप्शन कावेरी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को ही भीड़ गंगा भी कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, शिप्रा नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है गोदावरी, बी ऑप्शन है चंबल, सी ऑप्शन है महानदी, डी ऑप्शन है नर्मदा। दोस्तों इसका बी ऑप्शन चंबल नदी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है। इसका ए ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है सोन, सी ऑप्शन है जोहिला, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है। इसका ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है गंगा, डी ऑप्शन है कावेरी। दोस्तों इसका ए ऑप्शन गोदावरी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है वह नदी है। इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है गंगा, बी ऑप्शन है गोदावरी, सी ऑप्शन है नर्मदा, डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों इसका बी ऑप्शन गोदावरी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। गोदावरी केवल भारतीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम एवं मुहाना भारत में है। दोस्तों गंगा के बारे में बता दूँ, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और यह भारत के साथ साथ नेपाल तथा बांग्लादेश में भी बहती है, इसीलिए गोदावरी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसका उद्गम स्थल त्र्यंबक गांव महाराष्ट्र में स्थित है, जिसकी लंबाई गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। इसका ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल तथा कर्नाटक, सी ऑप्शन है केरल तथा तमिलनाडु, डी ऑप्शन है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। दोस्तों इसका डी ऑप्शन कर्नाटक तथा तमिलनाडु बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियाँ से निर्मित है। इसका ए ऑप्शन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, बी ऑप्शन है मिसिसिपी एवं मिसौरी द्वारा, यांगसी एवं कियांग द्वारा, डी ऑप्शन है गंगा एवं सिंधु द्वारा। दोस्तों इसका ए ऑप्शन गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित डेल्टा का नाम है सुंदरवन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। इसका ए ऑप्शन है सरयू नदी, बी ऑप्शन है रामगंगा नदी, सी ऑप्शन है काली नदी, डी ऑप्शन है पिंडल नदी। दोस्तों इसका काली नदी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा और काली नदी को ही शारदा नाम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली द्वीप किस नदी पर बनता है। इसका ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है गोदावरी, सी ऑप्शन है सिंधु और डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों इसका ब्रह्मपुत्र डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है, जो असम में स्थित है। तो डी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, मांझली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती है। इसका ए ऑप्शन है नर्मदा एवं ताप्ती, बी ऑप्शन है गोदावरी एवं महानदी, सी ऑप्शन है कृष्णा एवं कावेरी।
डी ऑप्शन है चंबल। दोस्तों इसका ए ऑप्शन नर्मदा एवं ताप्ती बिल्कुल राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की दो नदी है नर्मदा और ताप्ती जो पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। इसका ए ऑप्शन है महानदी, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है गंगा, डी ऑप्शन है गोदावरी। दोस्तों इसका महानदी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन महानदी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और यह उड़ीसा में स्थित है। भारत का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। इसका ए ऑप्शन है महानदी, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है गंगा, डी ऑप्शन है सतलज। दोस्तों इसका सतलज बिल्कुल राइट हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। यह बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। इसका ए ऑप्शन है कानपुर, बी ऑप्शन है देहरादून, सी ऑप्शन है भोपाल, डी ऑप्शन है कोलकाता। दोस्तों इसका ए ऑप्शन कानपुर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसका ए ऑप्शन है रावी झेलम, बी ऑप्शन है चिनाव ब्यास, सी ऑप्शन है सतलज, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका उपरोक्त सभी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, रावी, चिनाव ब्यास तथा सतलज ये सभी नदी है। 42 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था। इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है 1947 में, बी ऑप्शन है 1955 में, सी ऑप्शन है 1950 में, डी ऑप्शन है 1960 में। दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है। इसका ए ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, बी ऑप्शन है देवप्रयाग, सी ऑप्शन है कर्णप्रयाग, डी ऑप्शन है विष्णुप्रयाग। दोस्तों इसका ए ऑप्शन रुद्रप्रयाग बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको हम और इसके बारे में बता दूँ, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। पिंदर और अलकनंदा नदी के संगम को कर्णप्रयाग कहा जाता है। धौली गंगा तथा अलकनंदा नदी के संगम को विष्णुप्रयाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है। इसका ए ऑप्शन है यमुना, बी ऑप्शन है सोन, सी ऑप्शन है रिहंड, डी ऑप्शन है ताप्ती। दोस्तों इसका सी ऑप्शन रिहंड बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, रिहंड नदी सोन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। इसका ए ऑप्शन है भागीरथी, बी ऑप्शन है अलकनंदा, सी ऑप्शन है गंगा और डी ऑप्शन है सतलज। दोस्तों इसका ए ऑप्शन भागीरथी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यह उत्तराखंड के टिहरी जिला में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। इसका ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है राजस्थान। दोस्तों इसका आंसर सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।